सावनेर थाना अंतर्गत आए दिन होने वाली चोरी की वारदातें शहर पुलिस और आम जनता के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक और जहां आम जनता अपने जान माल की हिफाजत की चिंता में है, तो वहीं चाक चौबंद सुरक्षा के बाद भी शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने स्थानीय पुलिस की नींद हराम कर रखी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाटन सावंगी निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिका की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। उसी दौरान भोंदू बाबा मनोज मारुतराव कावले निवासी पाटन सावंगी ने उसकी तबीयत जादू टोना और तंत्र मंत्र से सुधारने का दावा कर पीड़िता के घर पहुंचा। परिजनों को घर से बाहर जाने की सूचना दी। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता पर तंत्र विद्या से हल्दी कुमकुम लगाकर नींबू काटकर इलाज के नाम पर पीड़िता के साथ छेड़खानी की और किसी को भी न बताने की धमकी दी। भोंदू बाबा की अश्लील हरकतें और आपबीती पीड़िता ने अपने परिजनों को बताकर परिजनों के साथ सावने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सावने पुलिस ने आरोपी मनोज कावले के खिलाफ भादम्बी की धारा 354-354-1 सहकलम 8 बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून और नरबली और अन्य अनिष्ट और अघोरी प्रथा जादू टोना प्रतिबंध व उच्चाटन कानून 2013 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच थानेदार मारुति मुलुक कर रहे हैं। सध्या लग्न सराई वगैरे यांचे दिवस आहेत, त्यामुळे बरेचसे लोक आपल्या घर बंद करून लग्नाला किंवा इतर कार्यक्रमाला जातात। थंडीचे दिवस असले लोक पर्यटनालाही बाहेर जात असतात, त्यामुळे लोकांनी सतर्कता बाळगायला पाहिजे। जे कोणी बाहेर जातील, लग्नाला जातील किंवा एखाद्या कार्यक्रमाला जाईल, त्यांनी कमीत कमी पोलिसांना त्याची माहिती द्यावी किंवा आजूबाजूचे जे लोक आहेत त्यांना लक्ष देण्यासाठी कळवावं। आणि कोणी संशयित जर गावात दिसत असेल तर त्याची तात्काळ आम्हाला माहिती द्यावी, जेणेकरून आपण या अशा चोरींच्या ज्या घटना होऊन राहिलेल्या आहेत त्याच्यावर आपण आळा घालू शकतो। अगदी बरोबर आहे, आम्ही सलग नाकाबंदी पण चालू आहे, आमची गस्त पण मोठ्या प्रमाणात वाढवलेली आहे, रॅपिडवरील गुन्हेगार पण आम्ही चेक करून त्यांच्याकडे विचारपूस करत आहोत। परंतु नागरिकांनी एक दक्षता घ्यायला पाहिजे, जाताना शेजारी सांगणे तसेच पोलिसांना त्याबाबतची माहिती देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आम्हाला बंद घरांवरती लक्ष ठेवता येईल। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।